बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में हेल्दी होता है और बनाने में बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। खिचू बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप चावल का आटा, 4 कप पानी, नमक स्वादानुसार, 3 बड़े चम्मच तेल, अचार मसाला और ये हरी मिर्च और जीरा की पेस्ट। सबसे पहले हम पैन में पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। तीन बड़े चम्मच तेल डालेंगे। और ये हरी मिर्च और जीरा की पेस्ट, ये तीखी हरी मिर्च है, ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली है। आप अगर कम तीखा चाहते हैं तो 2 से 3 डालें। इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम अच्छे से उबलने देंगे। पानी उबल चुका है, अब हम इसमें ये चावल का आटा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे इसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। ये मिक्स हो चुका है, हम इसे ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे एक बार मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं ताकि ये एकदम ड्राई ना हो जाए। इसे हम और 5 मिनट पकाएंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं ये पका है या नहीं। ये पक चुका है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप टेस्ट करके देख लीजिए, टेस्ट करके पता चल जाता है ये पका है या नहीं। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। इसे पकने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसे हम सर्व करेंगे और इसे सर्व करने का भी एक तरीका है। इसमें से थोड़ा हम अलग बर्तन में लेंगे। अब हमें इसमें कच्चा तेल डालना है। अगर मूंगफली का तेल हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई और तेल भी यूज कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम स्मूथ बनाना है इसे हमें, तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर आप कम तेल डालना चाहते हैं तो कम डालें। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम इसे सर्व करेंगे। पहले हम इसे कटोरी में निकालेंगे। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे।
ये जो अचार मसाला है इसे हम इस पर छिड़केंगे। टेस्टी हेल्दी खिचू बनके तैयार है। ये बनाने में बहुत आसान है, मिनटों में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।